हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? आशा करती हूँ स्वस्थ मस्त होंगे अपने अपने घरों में। तो आज एक और मैं नई हेयर स्टाइल के साथ आ गई हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मैं बॉय कटिंग। और यहाँ बाल देख सकते हो कितने बड़े और कितने घने हैं। ये 1 महीने पहले मैंने हेयर कटिंग किया था आरू के ऊपर और फिर से 1 मंथ हो गया है और इसका हेयर इतना अच्छा है, इतना सिल्की है, स्मूथ है और इसका हेयर इतना फास्ट से ग्रोथ होता है कि 15 डेज में ही इसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए मैं ना 1 मंथ में 1 टाइम्स इसको हेयर कटिंग कर देती हूँ। तो आज मैं फिर से हेयर स्टाइल करने वाली हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं टेरेस पे, छत पे ही मैं हेयर कटिंग कर रही हूँ क्योंकि बाल ज़्यादा फैल जाते हैं नीचे करे तो, और मेरे पास एप्रोन नहीं है। इसीलिए मैंने ये चुन्नी ले लिया है जिसे देसी जुगाड़ बोलते हैं और मैं इसी के ऊपर ये हेयर स्टाइल करने वाली हूँ। अगर आप लोगों के पास एप्रोन है तो वो लगा सकते हैं, नहीं है तो मेरी तरह देसी जुगाड़ कर सकते हैं और बहुत इजी से सीख सकते हैं हेयर स्टाइल घर पे ही करना। मैं हमेशा की तरह पीछे से ही हेयर स्टाइल करती हूँ, स्टार्टिंग में पीछे से हेयर कट करती हूँ। तो यहाँ देख सकते हो कितने बड़े हेयर हैं और इसका शेप भी पूरा जा चुका है, यहाँ देख लीजिए, और फ्रंट में भी बड़े हो गए हैं। तो मैं इसको ज़्यादा नहीं, 1 इंच ही की कट करने वाली हूँ। उसके बाद में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बने रहिए मेरे वीडियो में एंड तक। तो चलो पीछे से हम फर्स्ट में क्या करेंगे, कॉम करेंगे और एक कॉम करके एक शेप बना लेंगे। यहाँ देख लीजिए आप लोग भी कैसे करना है। यहाँ पर कॉम करने के बाद में जस्ट मैं स्ट्रेट कट कर रही हूँ, यहाँ देख लीजिए। इतना मुश्किल भी नहीं है जितना हम सोचते हैं कि हाँ बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है हेयर कटिंग करना। मानती हूँ जिसको नहीं आता है उनके लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत आसानी से आप भी अपने घर पे कर सकते हैं। वैसे मैं पार्लर का काम करती हूँ लेकिन अब मैं थोड़ा रेस्ट ले रखी हूँ क्योंकि मैं अभी नहीं जा रही हूँ। इसीलिए मैं सोच रही हूँ चलो हैंड मूवमेंट भी नहीं जाएगा और घर पे बच्चों के भी हेयर कट कर लेंगे और बाहर भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, है ना, बहुत सारे फ़ायदे। इसीलिए मैं घर पे ही बच्चों का हेयर कटिंग, आईब्रोज और भी कुछ हेयर स्टाइल्स रहती हैं वो कर सकती हूँ। और जैसे कि लेयर, ग्रेजुएशंस और मल्टी लेयर हेयर कटिंग्स, वो पूरा एडवांस हेयर कटिंग भी मुझे आता है। तो कभी मेरे को, मेरा दीदी और कोई भी हेयर कटिंग कराएगा तो उसका वीडियो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। वैसे एक वीडियो अपलोड है, अगर आप लोगों को देखना है लेयर कटिंग तो आप मेरे चैनल पे जाके आप वो देख सकते हैं। वैसे बॉय कटिंग करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, देख सकते हो पीछे से सीजर को घुमाना है, कॉम को घुमाना है, हो गया हेयर कटिंग। इतना मुश्किल नहीं है जितना हम समझते हैं। इसीलिए आप लोगों को अगर कभी भी फेशियल का, मैनीक्योर, पेडीक्योर और जैसे कि ट्रीटमेंट्स होते हैं वो ट्रीटमेंट्स भी मैं करती हूँ, स्ट्रेटनिंग, कैरेटिन, जो भी हेयर ट्रीटमेंट भी मैं करती हूँ। तो अगर आप लोगों को वो वीडियो भी देखना है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स कर दीजिएगा। और यहाँ देख लीजिए बैक की हो गई है तो आप यहाँ देख लीजिए। लेकिन कभी भी अगर आप लोग कान के यहाँ कट करना होता है तो सावधानी से कीजिएगा क्योंकि यहाँ जो कान के पीछे है हेयर कटिंग करते हैं बहुत सावधानी से करना पड़ेगा, अगर कान भी कट सकता है, इसीलिए थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। अब यहाँ से मैं पार्टीशन बनाने वाली हूँ तो ये पहले ईयर को हम ऐसा उठा लेंगे और उसके बाद में कटिंग कर देंगे, देख लीजिए। और हाँ, आप लोग कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर।
जब मैं हेयर कटिंग करना सीखी थी तो मुझे भी बहुत मुश्किल लगता था कैसे कट कर रहे हैं कैसे, लेकिन धीरे 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 सब आदत हो गई है। अब मुझे 7 ईयर्स से ज़्यादा हो गया है ये लाइन में आके, ब्यूटी लाइन में, तो अभी मुश्किल नहीं लगता। तो यहाँ देख सकते हैं एक साइड की शेप बन गई है, और यहाँ अब मैं फ्रंट का जो पार्टीशंस होता है, ये जो हेयर है देख रहे हो आप लोग, ये हेयर को मैं कट करूँगी। इससे पहले कि क्या करना है आप लोगों को, ऐसा सीधे से कॉम कर लेना है। कॉम करने के बाद में पार्टीशन बना लेना है, एक पार्टीशन ये साइड में और एक पार्टीशंस ये साइड में, तो हमें जो गाइडलाइन है वो मिल जाएगी और हमें आसानी होगी हेयर कटिंग करने में। जब हम लोग ये पार्टीशंस बना लेते हैं ना, तो इतना मुश्किल नहीं रहता है, बहुत आसानी होती है। तो यहाँ से मैं पकड़ के हेयर कट करने वाली हूँ, यहीं से मेरा फ्रंट का गाइडलाइन स्टार्ट हो रहा है, और इसी गाइडलाइन से मैं पूरा फ्रंट का हेयर कट कर दूँगी। पीछे आप लोगों को कोई गाइडलाइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले से ही हेयर बहुत छोटे हैं, तो उसमें कोई गाइडलाइन नहीं बनेगी। हम लोग फ्रंट में बनाते हैं क्योंकि फ्रंट का जो हेयर होता है वो बहुत बड़ा होता है, इसलिए उसमें ईजी से बन जाती है। और पीछे तो आप लोगों को कोई भी गाइडलाइन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग जस्ट कॉम से और सीजर से आपको कितना इंच का रखना है हेयर, वैसे आप कर सकते हैं। वैसे बॉयज़ को ज़्यादा लोग तो ट्रिमर भी करते हैं, लेकिन ये तो जो लड़की है तो मैं इसको ट्रिमर वगैरह नहीं लगाऊंगी। बाद में जो लास्ट में होता है वो शेप देने का, वहाँ पे मैं ट्रिमर का इस्तेमाल ज़रूर करूँगी। लेकिन जो लड़कियों का ना थोड़ा स्टाइल अलग ही होता है ना, इसीलिए यहाँ देख सकते हो मेरा एक साइड जो है वो कंप्लीट हो गया है और ये दूसरा साइड चल रहा है। आप लोगों को ऐसा पकड़ना है, जो गाइडलाइन दिखेगी आप लोगों को वहाँ से कट कर देना है। तो देख लीजिए यहाँ पे, अब ये जो गाइडलाइन मैंने ली थी इसको पूरा वो साइड में कर दिया है, और यहाँ पे मुझे शेप देना है जो कान के यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ का एक साइड का पूरा कंप्लीट लुक हो गया है। जस्ट कान के पीछे साइड देके और फ्रंट में मैं यहाँ कट कर दे रही हूँ। और मैं ना सच बताऊँ बात, मेरे को बचपन से ना ऐसा हेयर कटिंग करने का बहुत शौक था। मेरे यहाँ दीदी रहती थी, वो दीदी ना हेयर कटिंग करती थी, मैं देखती रहती थी उनको, तो मुझे ऐसा लगता था मैं भी करूँ कटिंग। तो आज देखो मैं खुद ही कर रही हूँ। तो यहाँ देख सकते हो आप कितनी अच्छी शेप आई है, बिना ट्रिमर के ही मैंने यहाँ सीजर से शेप दिया है, आपने देखा होगा। तो यहाँ कितना मस्त शेप आया है, और मुझे लगा कि थोड़े साइड के बाल थोड़े बड़े हैं, तो इसलिए मैंने फिर से थोड़ा शॉर्ट कर रही हूँ। और ऊपर ना इतनी हवा चल रही थी और ऊपर से धूप भी बहुत ज़्यादा थी। देख लीजिए यहाँ शेप, देखिए आप तो कितना मस्त लग रहा है ना। तो वही है कि जैसे कि भाई अपन को आता है तो घर में किसी को भी, घर में अपन हेयर कटिंग कर सकते हैं, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए अब ये साइड का तो हो गया यार, मुझे अब ये साइड का करना है। बार बार ये हवा के कारण ये जो चुन्नी मैंने लगा रखी थी ये उड़ रही थी, हवा बहुत ज़ोरों से चल रही है ना, इसलिए। तो जो मैंने गाइडलाइन बनाई थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ देख सकते हो कट कर रही हूँ, ये देख लीजिए जो एक्स्ट्रा हेयर है ना वही कट कर रही हूँ मैं। और जो यही होता है कि जो गाइडलाइन बनाते हैं ना उससे हमें पता चल जाता है कि हमें कितना हेयर कटिंग करना है, नहीं अगर हमें नहीं पता चलेगा तो वही कट करते जाओ, क्या पता रहेगा। एक बार ऐसा हुआ था मेरे साथ में, जब मैं ये काम नहीं सीखी थी पार्लर का, उससे पहले मैं बोला ना कि मेरे को हेयर कटिंग करने का बहुत शौक था, तो मैंने मेरी मम्मी है ना उसके हेयर कटिंग करने लगी थी, और मैंने कहा था मम्मी मैं आपके हेयर कटिंग करती हूँ, तो मम्मी ने कहा नहीं रहने दे। मैंने कहा नहीं मैं करती हूँ, अच्छा आता है। मैंने उनकी स्टार्टिंग गाइडलाइन कुछ भी नहीं किया, मैंने डायरेक्ट कट किया। फिर
फिर एक साइड से मुझे लगे कि यार एक साइड से बड़े हैं और एक साइड से छोटे हैं, तो मैंने दूसरे साइड कट किया, फिर दूसरे साइड के छोटे हो गए। फिर मैंने ऐसे 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 करते हुए, मेरे मम्मी के बाल ना कमर तक थे और मैंने उनको ना शोल्डर तक पहुंचा दिया था, लेकिन फिर भी वो लेवल में नहीं आए थे। तो वो टाइम में तो कुछ यूट्यूब वगैरह भी नहीं थे, तो पता भी नहीं था कि भाई देखें हम यूट्यूब पे वीडियो वगैरह तो पता चले। आजकल तो सब कुछ है, हम कुछ भी मतलब सीख सकते हैं यूट्यूब से, बस देखने की ज़रूरत है और अपना फ़ोन उठाने की ज़रूरत है। तो वो टाइम में नहीं था यूट्यूब, और मैं वो टाइम में ना छोटी भी थी, लेकिन मेरे को बचपन से ही शौक था ये हेयर कटिंग वगैरह करने का। फिर उसके बाद में ना मेरी मम्मी ने कभी मुझे बाल कट करने के लिए नहीं दिए, मैंने फिर से ट्राई किया, मम्मी मैं आपके बाल कट कर दी, तो उन्होंने नक्को बोल दिया नहीं चाहिए करके पहले ही बाल। और अब मेरी मम्मी को जब मैं हेयर कटिंग के लिए बोलती हूँ तुरंत मान जाती है हेयर कटिंग करने के लिए। तो जब सीखे ना तो थोड़ा लगता है टाइम, इसीलिए। तो ये देख लीजिए दूसरे साइड की भी यहाँ शेप बनकर रेडी है। और देखो मैंने बिना ट्रिमर से किया है, मतलब अभी तक मैंने ट्रिमर लगाया भी नहीं है, बिना ट्रिमर के यहाँ देखो शेप कितना अच्छा दिया है, देखिए। और इसके सच में ना इसके बाल बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इसके बाल, इतने शाइनिंग के और इतने घने भी हैं और जल्दी ही ग्रोथ हो जाता है। तो यहाँ देख लीजिए, थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था कि बड़े हैं, और अब मैंने कर दिया ना, अब फिर से 1 मंथ बाद में फिर से ग्रोथ हो जाएगा, ये देखिए। आप बार बार कॉम करके देख सकते हैं, अगर कोई भी एक्स्ट्रा हेयर होगा वो बाहर निकल के आ जाएगा, इसीलिए आपको कभी ऐसा लगे करते हुए हेयर कटिंग कि यार इसका तो थोड़ा बड़ा है, तब बार बार कॉम करके देख लीजिए, पता चल जाएगा। अब यहाँ जो फ्रंट है यहाँ पे मैंने कॉम कर लिया है और इसका लेवल कर दिया है इसको भी, ये देखिए। तो ये हो गया है फाइनल लुक, यानी कि अब मैंने इसका पूरा बाल कट कर दिया है, जो एक्स्ट्रा है वो साइडों से वो भी मैंने कट कर दिया है। और अभी फिर से मैं कॉम कर रही हूँ और फिर से चेक करूँगी कि कोई एक दो बाल रह तो नहीं गया है, थोड़ा ऊपर से मुझे बड़ा लग रहा था तो मैंने इसको कट कर दिया है। और पता है मैंने इतना छोटा इसलिए किया है कि इसका ना बहुत जल्दी बहुत फास्ट ग्रोथ होता है, इसीलिए मैंने इसका ना इतना छोटा कर दिया है। मुंह देखो इसका कैसा बना लिया है ये ये देखिए। तो पहले ना अपना कॉम कर करके देख लीजिए, थोड़ा भी ऐसा लगे डाउट आए कि यार इसमें थोड़ा है करके बड़ा दिख रहा है, तो आप एक बार कॉम करो और उसके बाद में फिर से चेक करो, ये देखिए। तो यहाँ फाइनल लुक रेडी हो चुका है, और ये देख लीजिए कितना अच्छा हेयर कटिंग हो गया है। और गाइस अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और आप लोगों को यहाँ हर एक अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। मैंने इसे बुलवा रही थी, उस टाइम में मैक ख़राब हो गया था, ख़राब नहीं बोले तो डिस हो गया था, तो मैंने उसको पूछा था कि कैसा लग रहा है हेयर कटिंग, तो वो बोल रही है सुपर, बहुत अच्छा लग रहा है, इसीलिए तो मैं आपके पास ही कराती हूँ मंथली वंस, इसीलिए। और गर्मी इतना हो गया है कि मुझे सहन नहीं हो रहा, आँखें भी नहीं खुल रही हैं। तो चलो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो की, मैं तब तक की बाय बाय।